यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप डोरेमोन की इन फुटेजेस के साथ बगल में चल रहे इन वीडियो पर गौर करो। अरे भाई डोरेमोन का तो हो गया, लेकिन इस दुनिया में शिनचैन एकदम यूनिक है, उसका कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। और भाई सिर्फ डोरेमोन शिनचैन का ही नहीं, बल्कि ऑगी, सिम्पसन्स, हमारे ढोकला स्पंजबॉब, यहाँ तक कि यारो कुंग-फू पांडा का एक ऐसा कॉपी है जो कि इतना क्रीपी है कि शायद ही आप उसे देख पाओगे। यारो ये तो आपने सुना ही होगा कि एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी, बिल्कुल वैसे ही जो आपके फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून्स हैं, दुनिया के कई कंट्रीज में उसका भी रिपॉप वर्जन या फिर वैना भी कॉपीज भी होती हैं, जिन्हें के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यारो चलो व्हाट द फैक्ट के इस फन इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस, इस पॉपुलर कार्टून की कॉपी का नाम है पकड़म पकड़ाई, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस का इंडियन वाला वर्जन है। इंडिया में ऑगी एंड द कॉकरोचेस एंड टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून फेमस होने के बाद इस वाले इंडियन कार्टून को 2013 में लॉन्च किया गया था। पकड़म पकड़ाई ऑगी एंड द कॉकरोचेस से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, बस यहाँ पर कॉकरोचेस की जगह ये तीन चूहे हैं। और यार इसके बारे में फन फैक्ट तो ये भी है कि इन दोनों ही कार्टून के कुछ सीजन के वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बिल्कुल सेम है। टीवी ही देख लेता हूँ, मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। कौन है? आगे तू आगे मार। ओए, ओए। और पकड़म पकड़ाई को बनाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि इंडिया में जितने भी कार्टून देखे जाते हैं ना, वो मोस्टली फॉरेन के होते हैं, और इसलिए इस कार्टून को फॉरेन कार्टून के कंसेप्ट को लेकर बनाया गया ताकि इंडियन ऑडियंस इंडियन कार्टून को भी देखना शुरू कर सके। और हाँ, यह पकड़म पकड़ाई कार्टून काफी ही ज्यादा अच्छा था, और यह आज भी इंडियन बच्चों को काफी ही ज्यादा पसंद आता है। शिनचैन, तो देखो यारो, जब मैं इंटरनेट पर शिनचैन के सस्ते कॉपी को सर्च कर रहा था ना, तब मुझे बहुत देर ढूंढने के बाद एक इमेज मिली जिसमें शिनचैन के चार इमेजेस को एक कार्टून के साथ कंपेयर किया गया था। और भाई इसे देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई, और मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि आखिर हमारा राजू शिनचैन की कॉपी कब से करने लगा। आधा घंटे से भी ज्यादा रिसर्च करने पर पता चला कि हमारा राजू नहीं बल्कि चाइना का डा जुइबा डूडू है। क्या बोला तूने? इंग्लिश में बोलूं तो बिग माउथ डूडू। और भाई एक लौता शिनचैन का सस्ता चाइनीज कॉपी नहीं है, बल्कि इसके अलावा चाइनीज मार्केट में बिग माउथ डूडू के बाद बिग ईयर टूटू भी मौजूद है। भाई मतलब जापान के शिनचैन से कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया और अपने ही कंट्री से नाम, और लॉन्च कर दिया नया कार्टून। वैसे शिनचैन के स्टोरी लाइन, उसके कैरेक्टर की पर्सनालिटी और आर्ट स्टाइल, यहाँ तक कि टारगेटेड ऑडियंस, इन सबको देखकर यह लगता है कि ओबे चमा कुन कहीं न कहीं शिनचैन की कॉपी तो जरूर है। लेकिन यारो यह बात उतनी सच नहीं है, ओबे चमा कुन इंडिया में कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यारो आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं इस एनिमे को तो जरूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम आपको बताते चलें कि यह एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग एंड फनी एनिमे था, मतलब बिल्कुल शिनचैन की ही तरह, और यह जापान के ऑडियंस के बीच में काफी फेमस भी था, और शिनचैन और इस कार्टून की मोस्टली ऑडियंस सेम ही हुआ करती थी। यही कारण था कि कई लोगों को लगने लगा कि इन दोनों कार्टून में काफी सिमिलैरिटीज हैं। द सिम्पसन्स, सिम्पसन्स का कॉपी है द समोसा नाज चड्डीज, समोसा नैडजीज। अरे यार नाम तो सही रख लो। हो गया, तो यह कार्टून जितना प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसे देखना, क्योंकि इसका एनिमेशन सच में काफी वियर्ड था भाई। इस कार्टून को सबसे पहले जॉर्जिया में रिलीज किया गया था, और वो भी 2009-10 में आते आते यह कार्टून बंद भी हो गया था, क्योंकि इसके क्रिएटर ने जितना सोच रखा था उतना इस कार्टून ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया। वैसे यार ऑब्वियस ही बात है कि अगर इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कार्टून का कॉपी बना रहे हो तो उसके चलने के भी चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि भाई सिम्पसन सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफी ही ज्यादा फेमस है। इंडिया में तो इसके एपिसोड्स को टीवी पर दिखाया भी नहीं जाता है, पर फिर भी हम में से कई लोग इसे फ्यूचर बाबा के नाम से जानते हैं। डोरेमोन, देखो थाईलैंड का एक कॉपी है साइडोमोन, और ये डोरेमोन का कॉपी है, इसको बताने के लिए पोस्टर ही काफी है। और यार मजे की बात तो ये है कि इसमें ये जो टाइग्रोमोन मतलब साइडोमोन डोरेमोन की ही तरह गैजेट्स भी निकालता है, कबर्ड में भी सोता है, उसके पास टाइम मशीन भी है, और उसमें भी ये सस्ता जियान अपनी सुरीली आवाज में गाना भी गाता है। वैसे तो डोरेमोन के और भी कई सारे कॉपीज हैं, बट यार उसमें से भी जिसका सबसे पहले नाम आता है वो है हमारा कित्रेत्सु। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, सबसे पहले अगर आप इन दोनों एनिमे के कैरेक्टर्स को देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसमें कितनी ही ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और यार यह भी फन फैक्ट है कि दोनों ही एनिमे को एक ही क्रिएटर ने बनाया है, फुजिको ए फुजियो ने। डोरेमोन हिट होने के बाद जब उन्होंने कित्रेत्सु को रिलीज किया तो यार उसमें भी डोरेमोन के बेसिक फॉर्मूले का ही यूज किया, बस फर्क इतना है कि डोरेमोन में फ्यूचर के टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है, वहीं पर कित्रेत्सु में पास्ट के। और यार अगर आप फुजिको ए फुजियो के बनाए
बनाए हुए सारे ही एनिमे के लिस्ट को देखोगे तो आपको उन्हीं के बनाए हुए कई सारे ऐसे एनिमे मिल जाएंगे जिसमें कैरेक्टर लेआउट, डिजाइंस, पर्सनालिटीज काफी ही सेम है। लेकिन शायद कितरेत्सु को जानबूझकर डोरेमोन की कॉपी बनाया गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितरेत्सु बिल्कुल डोरेमोन की ही तरह है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली बच्चों को और भी अच्छी अच्छी मैसेजेस देता है। लाइक इसमें कोई भी कैरेक्टर बुरा नहीं है। नोबिता के रिलेटेड कैरेक्टर यानी कि कितरेत्सु को आलसी और पढ़ाई में कमजोर नहीं बताया गया है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मेहनती और स्मार्ट बताया गया है। मतलब यारो, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे अच्छे मैसेजेस जो क्रिएटर ने डोरेमोन में नहीं दिया है उसको कितरेत्सु में दिया है। स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स इस फेमस निकलोडियन कार्टून का रिपऑफ वर्जन है। कोकोनट फ्रेड्स फ्रूट सैलेड आइलैंड। और अगर आप इन दोनों कार्टून को साइड बाय साइड देखोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्टून कितने ही ज्यादा सेम टू सेम है। जैसे कि स्पंजबॉब पानी के अंदर बिकनी बॉटम में रहता है, बिल्कुल वैसे ही फ्रेड एक फ्रूट आइलैंड पर रहता है। इसको छोड़कर दोनों ही कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और यार मजे की बात तो ये है कि स्पंजबॉब का एक कॉपी काफी ही ज्यादा फेमस भी हुआ था। स्टार्टिंग में तो इस चीज को किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने गौर किया कि हाँ भाई, ये तो सच में कॉपी निकला। फिर वे यारो आज तक भी इसके मेकर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने आपको स्पंजबॉब का कॉपी दिखाया है। गाइस, कुंफू पांडा जैसे एपिक शो का रिपऑफ बहुत ही क्रीपी दिखता है। इसका नाम है द लिटिल पैंडा फाइटर। और आप देख सकते हो कि इसका डिजाइन कितना ही ज्यादा डरावना है। ये एक ब्राजीलियन कार्टून है जो कि यारो पूरे ही तरीके से कुंफू पांडा का रिपऑफ है। आप इसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल कुंफू पांडा है, लेकिन एनिमेटर्स के पास इसे बनाने का बिल्कुल भी बजट ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसका एनिमेशन एकदम घटिया किया है। यह ब्राजील में 2008 में रिलीज हुआ था। और इसे बनाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि वो अपनी तरफ से कुंफू पांडा को मॉक करना चाहते थे, यानी कि यह एक पैरोडी की तरह बनाई गई थी। तो यार अब इतने नॉलेज के बाद हर बार की ही तरह कुछ मीम के साथ मस्ती तो बनती है ना। साइंस टीचर, क्या तुम क्लास में सो रहे हो? नहीं सर, वो ग्रेविटी की वजह से सर थोड़ा सा नीचे झुक गया था। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय फादर्स नेम इज लाफिंग एंड माय मदर्स नेम इज स्माइलिंग। आर यू किडिंग? नो नो सर, ही इज माय कजन। आई एम एक्चुअली जोकिंग। क्या बढ़िया था गुरु। आई लव एजुकेशन विदाउट एग्जामिनेशन। मम्मी के फोन का हॉटस्पॉट लिया था और डेटा खत्म हो गया, अब वो अनुपमा नहीं देख पा रही है। ओके तो यारो, अब इतनी मस्ती के बाद पढ़ना लिखना भी तो जरूरी है ना, तो झट से लग जाओ और पढ़ाई पर। और अगर पढ़ाई करने का मूड नहीं कर रहा है तो आपके लिए है ये वीडियो जिसमें हमने स्टडी के रिलेटेड बहुत ही कमाल कमाल के ट्रिक्स बताए हैं। सो इसे देखकर तुम्हें पढ़ाई का तो बिल्कुल मूड बन जाएगा। एंड यारो, अब इस वीडियो को पूरा यहां तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।